सो गाइज गुड आफ्टरनून। टाइम बहुत कम रह चुका है 9 and 9C के लिए फॉर 1920 और गाइज डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया है। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको किन चीजों का और किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको नोटिस उस पॉइंट पर आएंगे और फिर जब आप उसके ऊपर काम करने लगोगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा कि यार इसका रिप्लाई कैसे करना है गाइज। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि डिपार्टमेंट 9 और 9C के लिए नोटिस भेज रहा है 17-18 के लिए, कौन से पॉइंट वो प्राइमा फेसी पिक कर रहा है। ये आपके सामने 17-18 का नोटिस है और ये डिमांड निकाली गई है 9 और 9C के बाद। तो गाइज मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ना ज्यादा टाइम मेरे पास है इस टाइम। सो गाइज बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अन अकेडमी के CA कॉम्बैट एग्जाम को जाके ज्वाइन करो। फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स को कोर्स फीस बिल्कुल वेव्ड ऑफ कर दी जाएगी गाइज, और 3rd के बाद जो रैंक होल्डर्स होंगे उनके लिए भी बेनिफिट है। लिंक में आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और आप इसे एनरोल कर सकते हो बिल्कुल फ्री, एनरोलिंग के कोई पैसे नहीं है। फ्रॉम 28th February जाओ और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर May 21 CA इंटर अटेम्प्ट, बैच स्टार्ट हो चुका है गाइस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स। आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा इंक्लूडिंग रिविजन्स, डाउट सॉल्विंग सेशन लिए जाएंगे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ली जाएंगी, मॉक टेस्ट पेपर्स, वीकली असेसमेंट्स की जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि किस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। आपको अनलिमिटेड व्यूज दिए जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के, जिसे आप जहां मर्जी जाके देख सकते हो। एंड गाइज हियर इज द प्राइस लिस्ट, टू अवेल एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको कूपन कोड अप्लाई करना है टेक्स टॉक 10। सो फॉर ऑल दिस गाइज यू नीड टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाओ और जाके देखो, थैंक यू ना आपके पास सुनने के लिए। तो गाइज सबसे पहले इन्होंने एक पॉइंट पिक किया कि आपका टोटल टैक्स कितना बनता है, जो हमने डिक्लेयर किया 9 में उन्होंने वहीं से पिक किया, वहीं से इन्होंने पिक कर लिया ये। फिर इन्होंने क्या किया, एक 6th पॉइंट में लिखा ITC टू बी रिकवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस क्लेम ओवर 2A, कि 17-18 में जो आपने क्लेम किया है अगर कुछ एक्सेस है एज कंपेयर टू 2A तो उन्होंने यहां पर लिख दिया। तो गाइज आप क्या बोलोगे कि इन्होंने रिको की, नहीं, जो आप टेबल 8D रिपोर्ट कर रहे हो ना, ये देखो टेबल 8D लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेबल 8D लिखा हुआ है GSTR 9 का, वहां से इन्होंने वैल्यू पिक कर ली जो नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, लाइक ये आपके सामने 9 है, ये मैंने ऑफलाइन टूल ओपन किया हुआ है और ये आ रहा है आपका टेबल 8 है, क्या बात करते हैं, जो आपके एज पर GSTR 2A होता है। 8B क्या बात करते हैं, जो आपने ITC क्लेम किया होता है अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस या RCM। 8C क्या बात करता है कि कुछ पिछले साल का क्लेम किया है तो अब आप एडजस्ट करो, कुछ अगले साल क्लेम किया वो भी एडजस्ट करो, तो नेट 8D डिफरेंस आता है। अगर प्लस में आ रहा होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, बट अगर माइनस आ रहा होता है 8D तो आपको नोटिस आते हैं और वही हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास नोटिस। तो हम चलते हैं फिर से नोटिस के ऊपर। तो 8D का बैलेंस उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 8D जो आपने बनाया है, जो आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे रिकवरी करेंगे। एक तो ये डिमांड निकाली उन्होंने। दूसरा उन्होंने क्या किया, एक आपका टेबल होता है 9C ऑडिट में, जिन्होंने जिनके ऊपर 9C एप्लीकेबल नहीं भी है ना गाइस, ये पॉइंट उनके लिए भी निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा आपको अभी बताता हूं। ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपकी लाइबिलिटी, ये कहां से आ रही है, ये आपकी आ रही है टेबल 4 से ऑफ GSTR 9, आप देख सकते हो 4N, प्लीज आप ये खुद एक बार चेक करना कि 4N क्या है। बेसिकली ये इंक्लूडिंग RCM बता रहा है, टोटल लाइबिलिटी आपकी इतनी है 4N। मैं आपको दिखा देता हूं वरना मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं आती है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आपके सामने 4 आ गया और ये आ गया आपके सामने 4N, ठीक है। तो ये आपका सारा टैक्स इसमें आ रहा है। तो हम चलते हैं फिर से नोटिस के ऊपर और ये कह रहे हैं कि जो आपकी लाइबिलिटी थी आपने जो दिखाई है, इसको वो कंपेयर करेंगे जितना हमने पे किया। जिनके ऊपर 9C एप्लीकेबल होती है वो उनके लिए तो ये टेबल 9 देख लेंगे, टेबल 9 ऑफ GSTR 9C, पर जिनके ऊपर 9C एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए क्या करेंगे, ये टेबल 9 चेक करेंगे ऑफ GSTR 9। और टेबल 9 क्या होता है, जिस पे आपकी पूरी पेमेंट होती है कि आपने कैश में कितना पे किया और ITC के साथ कितना पे किया, और ये कौन सा टेबल है, टेबल 9 ऑफ GSTR 9। और अगर आपने कुछ डिफरेंशियल टैक्स पे किया अमेंडमेंट पे, वो होता है टेबल 14। तो टोटल टैक्स कितना पे किया, वो इतना। तो इन्होंने क्या किया, इस टोटल टैक्स की पेमेंट कितनी की है और आपकी लाइबिलिटी कितनी डिक्लेयर हुई है, उसका डिफरेंस निकाला और वो डिमांड निकाल के भेज दिया। एक तो 8D और एक किसका, इसका पेमेंट का इन्होंने डिफरेंस निकाल लिया। तो एक बार मैं आपको पहले दिखाता हूं कि मैं 9 के लिए टेबल 9 क्या आ रहा है, टैक्स पेड, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयर करते हैं वो टेबल 4 को कि कितना पे किया। और ये आपको हमेशा कंपेयर करना चाहिए मंथली,
ताकि एनुअली आपके साथ ये रिको बनी रहे। और जिनके ऊपर 9C एप्लीकेबल होती है उनके लिए ये ऑडिट का टेबल आ गया, और ये टेबल 9 है आपके सामने, वो इसको देखते हैं टेबल 9 को। और यहाँ पर आपका आ रहा होता है 9P में कितना पेबल है इंक्लूडिंग RCM, और 9Q में GST और 9 के टेबल 9 से आपका यहाँ पर अमाउंट आता है कितना पे किया है इंक्लूडिंग ITC से। तो जो डिफरेंस होता है उसकी आप एडजस्टमेंट देते हो 10th में कि भाई वो डिफरेंस क्यों है। तो यहां से वो रीजन निकाल रहे हैं, डिमांड निकाल रहे हैं। तो गाइस अभी क्या करना होता है, मैं आपको लेके चलता हूं अभी 8D के ऊपर। ये आपके सामने 8D की बाइफर्केशन आ रही है। आपको क्या करना होता है, लाइक टेबल 6 है अपना GSTR 9 का, उसमें कुछ टेबल 6A में ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज आती हैं, उसको हमें बाइफर्केट करना पड़ता है कि भाई RCM का कितना है, गुड्स का कितना है, सर्विस का कितना है, एक्सक्लूडिंग RCM निकालना पड़ता है, उसमें कितना 1819 है वो निकालना पड़ता है, फिर बचता है 1920, फिर टोटल रिवर्सल कितनी है इसमें से 1819 की कितनी है, फिर 1920 बाकी आ जाता है। तो ये टोटल एक बकेट बनती है, उस बकेट को हम बाइफर्केट करते हैं, यहां तक पहुंचते हैं, फिर हम बनाते हैं कि 19-20 का हमने 20-21 में क्यों लिया। बिल्कुल कंसेप्ट जिसके क्लियर है उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 19-20 का 20-21 में कितना लिया टिल सितंबर 20 वो देखना क्यों पड़ता है, क्योंकि ये आपके 8A में आएगा 19-20 का जो आपने 20-21 में लिया, तो उससे रिको का पार्ट बनाना पड़ता है। अगर 19-20 का कुछ रिवर्स किया है तो वो आपको अलग से लिखना पड़ता है, अगर कुछ पिछले साल का रिवर्स 20-21 में किया तो उसका इंपैक्ट 1920 में नहीं आएगा, ये 20-21 में आएगा, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे 8A की वैल्यू लिखी होती है, और आपको मैं अभी एक और बात बताता हूँ, लाइक मैंने पूरी 8A की वैल्यू एग्जैक्ट लिख ली पोर्टल से, बट जब आप 8A डाउनलोड करोगे तो हो सकता है वैल्यू वहां पे कुछ डिफरेंट हो, लाइक 8A अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो उसमें वैल्यू ये आ रही है, मेरा डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, तो जब मुझे कोई नोटिस भेजेगा तो मैं उसको प्रूव करूंगा कि भाई इतना डिफरेंस तो मेरा यहां से आ रहा है। कल मेरी बात हुई किसी कॉमन ग्रुप में, वो बोल रहे हैं कि 5 लाख का डिफरेंस है, भाई वो तो 5 लाख का प्राइमा फेसी नोटिस भेज ही देगा आपको, तो वो अब उनकी कॉल है, मैंने उनको सजेस्ट किया जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ कि आप ऐसा कर लो आपको ऐसे नोटिस नहीं आएगा, वो उनकी कॉल है, वो अपने आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आइडियली उनकी गलती नहीं है, 8A में नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, बट इनवॉइस सीरीज में आ रहा है, करेक्ट ना। तो मेरे केस में ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ 9000 का इंपैक्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1920-2021 में कितना लिखा है क्लेम किया वो लिख लिया। आई नो आई एम वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बट गाइज कंसिडरिंग दी कि टाइम कम है, आपकी समझ के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये काम करना पड़ता है, उसके बाद आप रिप्लाई कर सकते हो नोटिस का। और 1819 का 1920 में कितना लिया है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। अभी सर बोलोगे कि आपने ऊपर लिख लिया, कुछ बार क्या होता है कि यार आपने 1819 का कोई ITC आपने क्लेम कर लिया किसी 2A के बेस में, यार कि फटाफट 2A में देख लेते हैं कि हमारा पिछले साल का आ रहा है वो हम क्लेम कर लेते हैं, तो हमने मैंने ऊपर लिख लिया, बट कुछ आप डॉक्यूमेंट डेट से निकाल लेते हो तो वो आप यहाँ पे लिख लेते हो, कुछ एडिशनल है, मेरे केस में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो 0 है। तो फिर उसके बाद रिको बनती है, 8A मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर ITC एक्सक्लूडिंग RCM, और वो कितना आ गया इतना। फिर मैंने क्या किया, 1819 का जितना था वो मैंने माइनस कर दूंगा, या मेरा फॉर्मूला देखो, ये ऊपर ब्लू वाला वो माइनस हो रहा है, वो नीचे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ठीक है प्लस हो रहा है वो मेरा, तो नेट मेरा डिफरेंस कितना आ गया इतना। उसके बाद मेरा 8D कितना आ रहा है बाइफर्केशन, इतनी आ रही है। CGSG में टेंशन नहीं है क्योंकि वो बता रहा है कि एक्सेस है आपके 2A में ज्यादा दिख रहा है। IG में क्या कह रहा है कि आपने 1,05,000 एक्सेस क्लेम किया होगा, तो इसकी हमें बाइफर्केशन बनानी है। और ये बाइफर्केशन कब पॉसिबल है, जब आप अपना परचेज डाटा को पूरा पूरा रिमार्क्स लिखोगे कि कितना 2A में दिख रहा है, कितना नेट ड्यू में दिख रहा, तो परचेज डाटा मैं नहीं दिखा सकता हूँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपको। और फिर इसकी मैंने बाइफर्केशन बताई कि 2A में कितना नहीं आ रहा परचेज रिपोर्ट से, और 2A में कितना आ रहा है जो परचेज रिपोर्ट में नहीं है, एट द एंड मेरा डिफरेंस ये आ गया। तो ये मैं नोटिस को प्रूव करूंगा कि ऐसे ऐसे बात करूंगा। अब मैं आपको बात करता हूँ कि 1718 में यार ये रूल नहीं था कि 2A के साथ चेक करना है, तो कईयों ने चेक भी नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है, बट नोटिस आ रहे हैं गाइस। तो अभी अब उसके बारे में क्या बोले, एक तो हम लिख सकते हैं कि यार कि ये रूल नहीं था वो मान गए, बट ये रूल तो था ना कि आपके सामने वाले सप्लायर ने पे किया हो। तो अगर आपके पास कुछ कम्युनिकेशन है कि सामने वाले ने पे किया हुआ है इसलिए मैंने ITC लिया, तो वो आप शेयर कर दो। और ये 1718 में मैं काफी वीडियो शेयर की थी कि मतलब 1718 के लिए जब रिटर्न जा रही थी तब वीडियो शेयर की थी कि आप प्रूव कर सकते हो कि ट्वीट वगैरह भी आया है कि 2A रिको वगैरह नहीं रिक्वायर्ड है फॉर 1718 जब आया था, बट अगर आपके सप्लायर ने पे कर दिया, आपने कम्युनिकेट किया हुआ है, तो वो अगर हम दिखाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें इसकी रिवर्सल नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको ये सारे काम करने हैं, अभी तो ये रूल कंपलसरी है, आपको ये सारे काम करने हैं, करके रखने हैं। और जो आपके 2A में नहीं दिख रहे आपको अपने क्लाइंट्स को मेल करना है कि भाई आपसे हम रिकवरी करेंगे, अदरवाइज इसका सोल्यूशन कोई नहीं मिलेगा आपको, आपको सफर करना पड़ेगा। तो ये सब स्टेप्स है गाइस आपको फॉलो करने हैं, और कोई डरने की बात नहीं है, ये जो नोटिस आ रहे हैं आप टाइम मांगो कि भाई एडिशनल टाइम दे दो, अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और वो आपकी बात सुनेंगे, और मैंने भी मांग लिया, ठीक है गाइस। तो आप इसके अकॉर्डिंग रिको करो और काम करो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना और आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।